आज मैं आपको डाइवर्जेंस और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, किस तरह से आप डाइवर्जेंट और उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। जैसे डाइवर्जेंस स्केलर के रूप में हो या डाइवर्जेंस वेक्टर के रूप में हो, तो उसको किस तरह से हम एप्लीकेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिंबल याद दिला दें, जैसे कि ये सिंबल दिया जा रहा है, इसको कहा गया था ऑपरेटर। ऑपरेटर वैसे आप जानते हैं कि टू डिफरेंट फंक्शन को कोरिलेट करना ऑपरेटर कहलाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक के ऑपरेटर की चर्चा की जाए, चाहे किसी टेलीफोन एक्सचेंज के ऑपरेटर की बात की जाए, या किसी विभाग की बात किया जाए। तो ऑपरेटर जो है क्या करता है, तो किसी एक मैथमेटिकल या फिजिकल रिलेशन को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, फिर उनको आपस में कोरिलेट भी करता है। तो इसमें आप बहुत सारे इक्वेशंस भी पढ़ते हैं, जैसे गॉसेस लॉ पढ़ते हैं, पाइसन्स लॉ पढ़ते हैं, स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं, ग्रीन थ्योरम पढ़ते हैं, बहुत सारे थ्योरम भी आप इसमें रीड करते हैं, तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आता है। लेकिन जो आता है वो आपको ध्यान देना है। इस ऑपरेटर को शॉर्ट में हमने लिखा था, याद भी होगा आपको, क्या कहा गया था इसको, डेल, शॉर्ट में नाम दिया गया था डेल, या इसको नेबला भी कहा गया था। तो इस तरह से आप कोई भी एक नाम इसका याद कर सकते हैं, कोई भी नाम एक याद कर सकते हैं, तो डेल या ऑपरेटर या नेबला। लेकिन इसका एप्लीकेशन जब आपको दिया गया था, तो देखिए हमने इसके साथ कोई एक पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है। मान लीजिए कि आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, और ये स्पेसिफिक पोजीशन वेक्टर है, तो पहले हम एक्स भी शो कर रहे हैं, आई कैप, वाई भी दे रहे हैं, जे कैप, के भी दे रहे हैं, एक्स वाई जेड, जेड भी रहेगा, तो एक्स वाई जेड और आपको के भी दिया गया। तो इस तरह से आपको एक पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, और आपको भी मालूम है कि इसको हम लोग वेक्टर ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं। यहां पर आप समझ सकते हैं वेक्टर ऑपरेटर के रूप में दिया जा रहा है। तो यहां से हम इसको वेक्टर फॉर्म में पहले भी लिखे हैं आई, और इस तरह से आप इसको पार्शियल फंक्शन के रूप में दिखा सकते हैं, जे और के। तो इस तरह से आपने देखा, चाहे तो आप यहाँ इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमन सिंबल ऐसे लिखते हैं, बार बार ये एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने लिया वेक्टर ऑपरेटर, और ये कोई पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर का कोई माउंट दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो आप देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर बहुत इजी है, जानते भी होंगे आप। तो ये मॉड लिया, तो इसे आप कह सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखा आपने, या इसको आप इस तरह कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। तो आपने पोजीशन वेक्टर का मॉड ले लिया, परिमाण ज्ञात कर लिया। अब मॉड में है तो आप भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, तो ये आपने आपको सॉल्व कर लिया। अभी जो प्रॉब्लम दिया जाएगा वो क्या है, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन आपको हम शो कर दें, किस तरह से लिखना होगा। जैसे r को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, देखिए r को आप x के रूप में ले लीजिए। तो सबसे पहले इसमें इसको कोई कॉमन नाम देकर और इसका पावर आप सॉल्व कर लें। जैसे पावर पहले आएगा तो 1/2, और इसमें से एक पावर माइनस होता है, जैसे कि आप इसको शॉर्ट में ऐसे मान लें कि t की पावर 1/2 लिखा है ऐसे, और ये लिखा है r, तो आप लिखेंगे dr/dt,
तो ये पावर पहले आ जाएगा 1/2, और इसमें से एक आप माइनस करेंगे तो 1/2, अभी माइनस आपने कर लिया तो यहाँ पर आ गया -1/2, तो 1/2 ये अपान मिला ये प्लस हो जाएगा टी की पावर 1/2 या 1/2, इसको आप रूट में ले लीजिए, ऐसे दिखा लीजिए। तो इस तरह से अगर हम पूरे फंक्शन को लेकर समझा रहे हैं जो ये कहा जा रहा है, तो आपने देखा यहाँ पर जो है टी अपान में आ गया इस तरह से और साथ में आ गया 1/2, तो हम डायरेक्ट जैसे 1/2 लिखे हैं और इसी को अपान में ऐसे लिख दे रहे हैं, तो 1/2 तो 1/2 ये जो वैल्यू लिखा है देखिए टी की पावर तो यहाँ पर है अंडर रूट, टोटल वैल्यू रूट में जैसे यहाँ लिखकर दिखाए हैं x²y²z², तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। और ये x के रिस्पेक्ट में अगर दिखाया जा रहा है तो फिर आप देखिए इसका जीरो होगा, x² का फिर आप सॉल्व करेंगे तो x² का जब फिर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2dx/dx, तो सूत्र कहिए तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मान कर दे रहे हैं x² का 2x हुआ, आगे जो आप लिखेंगे यहाँ पर dx/dx, तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ही परसेंट, तो ये हट जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये मिला dr/dx, 2 कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया x/5, ये रूट वाली वैल्यू है जो मॉडुलस है या r के इक्वल है, ऐसे देख लीजिए ये रूट वाली वैल्यू है तो ये r के इक्वल है। तो आपने क्या देखा कि जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए हैं, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको ये प्राप्त हो गया। अब इस पर हम और सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक फंक्शन आपको हमने दिखा दिया, क्लियर हुआ। आप इसको डायरेक्ट अब आप याद करेंगे, जैसे यहाँ पर भी ये 1 हो गया था तो अब इतना स्पेस हम खाली कर रहे हैं देखे जैसे इधर से ये, तो अभी आपने सॉल्व किया तो इसमें आया x के रिस्पेक्ट में, आप y पर लिख रहे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं, जैसे y पर जब लिखा जाएगा तो यहाँ y/y आ जाएगा, जब आप यही रिजल्ट जेड पर लिखेंगे xyz देखिए तो यहाँ पर z/r आ जाएगा, ये आ गया। क्या हम बताना चाह रहे हैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सारे फंक्शन पहले हम लिखवा कर तब आपको हम इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें डायरेक्ट सेट कर देंगे। हमने वेक्टर ऑपरेटर यूज किया जिसको इस तरह से लिखते हैं या इसको ऐसे ब्रैकेट दिखा दीजिए, और पोजीशन वेक्टर दिया जो यहाँ पर लिखना नोट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है ये, पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है, और डेल ऑपरेटर दिया गया है, मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ दिखाया है, और यहाँ पर जो है इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर था विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया। इतना अगर आप नोट कर लिए हो तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखे, तो अब आप यहाँ पर जो है वो निकल देख सकते हैं, जैसे आपको दिया जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 1, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इस तरह से दिया जा रहा है, तो स्केलर में आप पोजीशन वेक्टर का स्केलर मॉड को लेकर चलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। इसको लिखने का तरीका आपको हमने बताया था, जैसे ग्रेडियंट के रूप में पढ़ा जाएगा अगर यहाँ पर कोई फंक्शन स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है, अदिश राशि है और ये सदिश है, वैसे आपको बता चुके हैं सदिश गुणे अदिश सदिश के बराबर होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो है एक तरह से ये वेक्टर ही टोटल रिजल्ट आएगा। अब इसका क्या रिजल्ट होगा ये आपको दिया जा रहा है, ये तो
यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं फाइंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, इसका रिजल्ट आपको दिया गया है कि फाइंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आ भी चुका है और हम इसमें टू पार्ट कर दे रहे हैं, उसमें से एक पार्ट आपको पूछा गया है, हम आपको दो अलग अलग पार्ट बता रहे हैं, एक आ सकता है। बहुत सारे लोग यहीं पर गलत करेंगे, क्यों, उन्होंने पेपर भी सॉल्व किया होगा और फंक्शन में देखा होगा, ये ध्यान नहीं देंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में है या स्केलर, तो आंसर गलत ही आएगा। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, हम बार बार यहाँ वेक्टर नहीं शो करेंगे, ये हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन है और हम लिखने के लिए बार बार ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम पुट कर रहे हैं। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से हमने रिटेन कर लिया। और अभी आपको हमने बताया ये स्केलर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर स्केलर फंक्शन। तो स्केलर का पहले भी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर डायरेक्ट लिखना हो तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको याद दिला दें पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हमने ये सिंबल दिया था, तो जब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन तो डायरेक्ट यहाँ स्केलर फंक्शन हम रिटेन कर लेते हैं ऐसे, तो ये स्केलर फंक्शन आ जाता है। तो इसी तरह से अगर ये स्केलर है तो ये डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं आई स्केलर फंक्शन आ रहा है यहाँ पर आ गया एक्स, और यहाँ पर जो है जे स्केलर फंक्शन डायरेक्ट आपने ले लिया वाई, यहाँ पर है के स्केलर फंक्शन डायरेक्ट है, और यहाँ पर है आपने जेड ले लिया। इस तरह से आपने देखा कि स्केलर फंक्शन डायरेक्ट हमने समझाया था कि डेल ऑपरेटर जो है ग्रेडियंट के रूप में होगा, स्केलर के साथ है पढ़ने के लिए, और डायरेक्ट स्केलर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम आपको इंडिविजुअल जो हम तो मिटा चुके हैं, आप अपने नोट्स में देखिए, तो ये इंडिविजुअल हमने इसको सॉल्व करके पहले ही आपको समझा दिया था, इसका इंडिविजुअल रिजल्ट आपके पास लिखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या आया है, और उसे हम फिर रिटेन कर रहे हैं और उसको आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट आपके पास होगा। तो देखिए आई ये आया था आपका एक्स बाई आर, एक्स बाई आर प्लस इसको आप देखिए जे, तो ये आया था वाई बाई आर, इसको आप देखिए तो ये आया होगा जेड बाई आर। तो यहां इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अब आप फिर इसको आगे सॉल्व कर लें, आर कॉमन ले लें तो वन बाई आर कॉमन आपने ले लिया, यहां से ये एक्स आई का भी ले सकते हैं प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आप देख सकते हैं शुरू में हमने ये पोजीशन वेक्टर दिया था, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर जो है गिवन दिया गया है, गिवन डेट तो दिया गया था, और फाइंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि मिस्टेक होता ही है, आप वेक्टर और स्केलर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही वो टाइप करने वाला, पेपर में भी प्रॉब्लम होती है अगर सेंटेंस नहीं देखा गया है तो इसको कभी वो डार्क कर देते हैं वेक्टर मान लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं स्केलर मान लेते हैं, और डार्क और लाइट उतना ध्यान आता नहीं है, तो स्केलर का रिजल्ट कुछ और आएगा, आप वेक्टर मानेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो इसको आपने पोजीशन वेक्टर कहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर अपॉन आर, या इसको आप कह सकते हैं कि ये लिखा गया है आर, हमने इसको कहा था मॉड को, ये भी हमने पहले समझाया था कि मॉड लिया गया है तो क्या रिजल्ट है, और ये आप जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, एकांक सदिश को शो करता है। तो आपको रिजल्ट तो छोटा ही मिला क्या, जैसे कि इसका आंसर आपसे पूछा गया आंसर मिल गया आर कैप, भी आंसर आपको मिला वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या रिजल्ट मिला, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, तो आप आंसर दीजिएगा आर कैप। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, आगे ध्यान दीजिए और ये रिजल्ट याद कर डालिए।
बहुत ही जरूरी भी है कि डायरेक्ट अगर आपको ये फंक्शन कहीं भी मिले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कुछ पॉइंट आपको याद करने ही पड़ते हैं, समय बचाना होता है। तो यहाँ पर जैसे ये आपको कहीं भी डायरेक्ट मिलता हो तो इसको सीधे आप पूरे सॉल्व करने के बजाय जो रिजल्ट आ रहा है वो आप याद कर लें। जैसे रिजल्ट आ रहा है ये वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर या डायरेक्शन आ रहा है, तो हर जगह वही आएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको हम क्वेश्चन चेंज करके दे रहे हैं, अब उसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ये दूसरा है क्वेश्चन, इसी पर है, ये सेंटेंस भी चेंज होगा और क्या ध्यान देना है देखिए। अब आपको फाइंड क्या करना, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है, डाइवर्जेंस आप पूरा लिख दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर और फिर से ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंस आपको हमने याद दिलाया था स्केलर प्रोडक्ट होगा और कर्ल कहेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, तो वो यहां पर ये नहीं कहेगा कि स्केलर लगाइए या वेक्टर। सेंटेंस ध्यान देना होगा, डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो आप ये डेल ऑपरेटर का ये सिंबल ले लिए और यहाँ पर स्केलर डॉट प्रोडक्ट के रूप में होगा और ये आर होगा, तो ये आपको फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ये आपको फाइंड करना है। लेकिन अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर जरूर कि हम वेक्टर दे रहे हैं, वहां पर समस्या क्या होती है कि वो लोग केवल थोड़ा सा थिक और थिन में अंतर रखते हैं पेपर वगैरह में, और वहीं बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वेक्टर लगा दे तो सबको याद आ जाए। तो यहां से फिर हम अब कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए, तो अब इसका आंसर क्या आएगा और ये एलटी में आया भी था, तो इस तरह से ये आप इसको आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल वाई के डेल वाई डेल जेड, और डॉट का प्रयोग किया गया है तो डॉट का प्रयोग करिए, और पोजीशन वेक्टर हमने दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से आपको दिया गया है। तो डॉट वाले में आपको मालूम है कि हम सिर्फ आई का आई से, जे का जे से, के का के से हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आपको ये हेल्प किया गया था, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर i डॉट i i स्क्वायर वन हो जाएगा और ये फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा स्केलर का, तो यहाँ पर आ गया डेल x बाई डेल x, हम यहाँ पर i डॉट i को i स्क्वायर कह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट हटाइएगा वन होगा, प्लस यहाँ पर भी j डॉट j j स्क्वायर होगा, आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, और फिर देखिए यहाँ से ये आ जाएगा डेल वाई अपॉन वाई प्लस इसी तरह से के स्क्वायर डेल जेड बाई डेल जेड, तो ये आप जानते हैं कि इनकी वैल्यू आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर ये वन होता है, तो ये वन हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो रहा है, जैसे ये भी वन हो रहा है, ये भी वन हो रहा है, सब वन हो रहा है, तो यहाँ पर वन इंटू वन वन ही आएगा, वन इंटू वन वन आएगा, वन इंटू वन वन, तो ये आंसर आ गया थ्री। तो आपने देखा आप पेपर का जो पैटर्न होगा वो हेल्प कर रहे हैं, जैसे ऐसे होगा ये हो गया और यहाँ पर जो थोड़ा सा वो डार्क ज्यादा इस तरह से, तो इसका आंसर आपको थ्री देना है और ऐसे कर दिया ये हो गया, तो इसका आंसर ये देना है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अगर वेक्टर लगा देता है तो द बेस्ट, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, स्टेटमेंट में सही देता है और स्टेटमेंट देता है तो आपको कुछ भी नहीं सिंबल देगा, आपको अपना समझिए कि क्या आंसर दे रहे हैं, तो दोनों का अंतर है डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर थ्री आ गया और ग्रेडियंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर कैप आ गया, जो यूनिट वेक्टर को शो कर रहा था। तो आप इसमें एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटर का किस तरह से एप्लीकेशन यूज किया जाता है, जैसे कि ग्रेडियंट पे हमने बताया
डाइवर्जेंस में आपको बताया, इसी तरह से कर्ल के रूप में भी होता है, तीन पार्ट हमने दिया था। जैसे यहाँ पर कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर बहुत ही अच्छे टॉपिक है, आप तैयार जरूर रखें। कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर कर्ल है तो वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जाएगा और ये पोजीशन वेक्टर है। अभी आप रिटेन कर चुके हैं इसको कि ये ऐसे लिखा जाएगा जैसे आई पैप डेल वाई डेल एक्स जे डेल वाई डेल वाई के डेल वाई डेल जेड, ऐसे लिखा जाएगा। क्रॉस है यहाँ पर और पोजीशन वेक्टर आप जान रहे हैं जैसे एक्स आई वाई जे जेड के, ये तो आप क्रॉस को सॉल्व करने के लिए कॉलम वगैरह बनाते हैं तो उस कॉलम से समझ सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो बेहतर है। हम दोनों प्रयास कर ले रहे हैं, कॉलम यहाँ से दिखा दे रहे हैं कि कॉलम का प्रयोग कैसे करेंगे। ये इतना रफ कर दे रहे हैं, ये स्पेस खाली होगा। जैसे आपको कॉलम बनाना है तो यहाँ से देखिए, जैसे आप लिखते हैं आई जे और के, सबसे पहले आप डेल ऑपरेटर का जो यूज किए हैं कर्ल के रूप में इसका फंक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है कोफिशिएंट के रूप में ये है ऐसे देखे, और जे के लिए यहाँ पर ये है, इसी तरह से यहाँ पर ये लिखा गया है। अब आप आर का यूज करने जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा गया है एक्स वाई, यहाँ दिया गया है जेड, ये आपके टेबल तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से आपने तैयार कर लिया ये। अब आप इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट का फंक्शन यहाँ दिखाया जा रहा था आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है इसको क्लोज कर लीजिए, जैसे ये लाइन हम पूरा ले ले रहे हैं, इसको क्लोज करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे देखिए, हमने आई कैप ले लिया और यहाँ से इसको क्लोज करके ये देखिए इस तरह से फर्स्ट ये होगा और सेकंड में हम इसका उपयोग करेंगे, फर्स्ट ये सेकंड में हम इसका उपयोग करेंगे। तो आप ये लिखेंगे जेड वाई, अब आप इसका प्रयोग करेंगे माइनस, जब फर्स्ट के बाद सेकंड में आते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो आप इसका यहाँ यूज करेंगे